नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिल्कुल गाढ़ी मलाईदार रबड़ी जैसी सेवई बनाने का सीक्रेट बताएंगे। इस तरीके से अगर आप सेवई बनाएंगे तो आपकी सेवई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए आज बहुत ही स्वादिष्ट सेवई बनाते हैं। सेवई बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। अब हम उसमें डाल देंगे एक चम्मच देसी घी, अब घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम उसमें डाल देंगे सेवई और अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सेवई को अच्छे से भून लेंगे। सेवई हमारा भून गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मखाने, कुछ कटे हुए बादाम और कुछ कटे हुए काजू। इन सबको भी अच्छे से भून लेंगे। सारी सामग्री को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम सेम कढ़ाई में डाल देंगे एक गिलास पानी और पानी को अच्छे से बॉयल होने देंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी और चीनी को भी चला लेंगे थोड़ा। चीनी अच्छे से घुल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ सेवई और सारे ड्राई फ्रूट और अपने गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर बिल्कुल अच्छे से सेवई को पकने देंगे। सेवई अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध की मलाई। एक कटोरी मलाई को मैंने निकाल कर रख लिया था, उसको मिला लेंगे इसमें अच्छे से। और अब डाल देंगे इलायची पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध को मैंने पहले से बॉयल कर लिया है और अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इस सेवई को अच्छे से पकने देंगे, बिल्कुल गाढ़ा होने देंगे। अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अगर आप सेवई को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाढ़ी मलाईदार बनाना चाहते हैं तो इसमें एक सीक्रेट चीज डाल दीजिए जिससे आपकी सेवई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और यह सीक्रेट चीज है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क को डालकर आप अच्छे से मिला दीजिए और फिर आप सेवई का स्वाद देखिए। इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा कि आप इसके स्वाद को भूल नहीं पाएंगे। अब जब भी सेवई बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे। सेवई को एक बोल में निकालकर कुछ कटे हुए बादाम से गार्निश कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाढ़ी मलाईदार रबड़ी जैसी सेवई बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार इस तरह से सेवई आप भी बनाकर देखिए।